सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि भाई साहब जवान ने वो हिस्ट्री क्रिएट कर दी है जो अभी तक किसी भी मूवी ने नहीं की है। इसी बात पर मैं जवान की पूरी टीम को विद शाहरुख खान एंड रेड चिलीज भाई, मैं उनको एक क्लैपिंग वाला कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात होती है और आई थिंक पार्टी तो होनी चाहिए रेड चिलीज में। अब मुझे बुलाएं ना बुलाएं वो उनकी मर्जी है। तो फिलहाल दोस्तों मैं बात करता हूँ कल की इसकी कलेक्शन के ऊपर, यानी कि डे 7 की इसकी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। और दोस्तों मज़े की बात यह है कि भाई इस मूवी ने 7 दिन में अपने वर्ल्ड वाइड से लेके इंडिया से लेके टोटल जो दुनिया का पूरा जो कलेक्शन है भाई 660 करोड़ कर लिया है। दोस्तों बताने से पहले आगे की कहानी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना खाते हुए, और छोटा सा बेल आइकन को भी प्रेस कर देना भाई जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आसानी के साथ आपके पास पहुंच जाए। देखिए दोस्तों भाई कल तक इंडिया से जो इसका नेट कलेक्शन होता है दोस्तों वो होता है 368.28, मतलब 368 करोड़ 28 लाख। अब आपको देखिए डे 7 तक, मतलब 7वें दिन तक इस मूवी ने भाई 368 छोड़ो मैं 370 ये लगाता हूँ 370 करोड़ इसने सिर्फ 7 दिन में इंडिया से कलेक्शन कर लिया है। मतलब इंडिया का नेट कलेक्शन इसका 7 दिन में 370 करोड़ हो चुका है। अब आप अंदाज़ा लगाओ आने वाले वीकेंड में, मतलब अब जो कल से वीकेंड स्टार्ट हो जाने वाला है तो इसमें ये 500 करोड़ आराम से कर लेनी चाहिए, क्योंकि वीकेंड में तो भाई 50 करोड़ से कम तो लगेगा ही नहीं, 50 करोड़ से कम तो लगना ही नहीं है, क्योंकि अब बचा कितना है 130 करोड़ दोस्तों सारा बचा है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई एक दिन 70 करोड़ आता है और एक दिन 50 करोड़ आता है तो ये इसी वीकेंड में दोस्तों इंडिया से नेट कलेक्शन 500 करोड़ आसानी के साथ कर लेगी। मतलब आज 8वां दिन है, मतलब लगभग दोस्तों 10 दिन में ये मूवी भाई 500 करोड़ कंप्लीट कर लेगी इंडिया से नेट कलेक्शन। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है, अभी तक किसी भी मूवी ने ये काम नहीं किया है। ये एक ऐसे रिकॉर्ड बन रहे हैं जो कि आने वाली बॉलीवुड इंडस्ट्री या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसी सीख देखी जाएगी और इतना फास्ट कर देगी आर्टिस्टों को, जो कि उनके दिमाग में अब यही होगा कि भाई उसने इतने दिन में करे थे तो मैं उससे कम दिनों में करूं। ये अब हिस्ट्री चेंज हो रही है बॉलीवुड की, मैं सही कह रहा हूं अब हिस्ट्री चेंज हो रही है, क्योंकि कुछ सालों में एक ऐसा दिन ज़रूर आता है जो हिस्ट्री चेंज करता है। अब ये एक हिस्ट्री चेंज हो रही है जो कि अभी के लिए तो एक ऐसा है कि एक अद्भुत चीज़ हो गई, लेकिन जब धीरे धीरे ये चीज़ें नॉर्मल होती चली जाएंगी तो वो एक वे में हो जाएंगी जो कि लोगों को इतना भावुक नहीं लगेगा। लेकिन जो स्टार्ट करता है उसके लिए थोड़ा सा भावुक होता है और उसका जो नाम होता है वो सबसे ऊपर लिया जाता है। आप तो समझदार हैं मैं क्यों बता रहा हूँ आपको पागल थोड़ी। अब आगे सुनिए, इसका ग्रॉस बनता है 443 यानी कि 443 करोड़ इसका ग्रॉस बनता है। ओवरसीज से दोस्तों 212 करोड़ इसने अभी तक 7 दिनों तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किए 212 करोड़। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, मैं अब भी कह रहा हूं कि पठान ने 350 से 450 करोड़ ओवरसीज से 2 महीने में कलेक्शन की थी और इस मूवी ने अभी सिर्फ 7 दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आया और उसमें ओवरसीज से सिर्फ और सिर्फ इसने 212 करोड़ की कलेक्शन कर ली है सिर्फ 7 दिन का डाटा है। आने वाले अगर 14 दिन में देखा जाए तो ये मूवी फिर तो पठान का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है ओवरसीज से, समझ रहे हो। और दोस्तों वर्ल्ड वाइड है इसका दोस्तों 660 करोड़ इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर ली है। अब देखो सिर्फ 7 दिन में मूवी 660 करोड़ के पास पहुंच गई है और इस वीकेंड में मुझे पूरा लग रहा है कि ये मूवी इसी वीकेंड में दोस्तों 1000 करोड़ कंप्लीट कर लेनी है बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि जो इसका जो एक भाई वे है और हाइप है वो दोस्तों इतनी है कि भाई चलो वर्किंग डेज में मैं मान सकता हूँ कम आ रहा है, लेकिन भाई वीकेंड में तो ये मूवी किंग है भाई। 80-80 करोड़ 82-82 करोड़ जब ये मूवी दे रही है अपने फर्स्ट वीकेंड में, तो सेकंड वीकेंड में भाई 60 करोड़ दे देगी 50 करोड़ दे देगी, तो ये भी कोई कम थोड़ी है, बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, देखो भाई वीकेंड लगने वाला है आप लोगों में से कौन कौन भाई जवान मूवी देखने जा रहा है और कितनी बार अभी तक देख चुके हो मुझे नीचे कमेंट में बताओ। मैं तो भाई 3 बार देख चुका हूँ, आप मुझे बताओ कि कितनी बार आप देख चुके हो। तो जल्दी से दोस्तों मुझे कमेंट करो, तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।